अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अचारी चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 किलो चिकन, 5 लार्ज प्याज है जिनको हमने फाइनली चॉप किया है इस तरह से, दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हमने, 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 3 टेबल स्पून हमने सौंफ ली है, 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है, 5 से 6 सूखी लाल मिर्च ली है, 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें सरसों दाल ली है, ये ऑप्शनल है, आप इसको चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसको ज़्यादा नहीं लेना है वरना मसाला हमारा कड़वा हो जाएगा। 1/2 टीस्पून हमने मेथी दाने लिए हैं, 1/2 कप हमने विनेगर लिया है, वाइट विनेगर है, 100 ग्राम हमने सरसों का तेल लिया है और कुकिंग ऑयल। अब हम सौंफ, ज़ीरा और लाल मिर्च को दरदरा सा ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए ये हमने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, इन्हें गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इसमें डालते हैं हम ये जो सरसों का तेल है, लगभग 100 ग्राम के करीब, ताकि हमारा चिकन अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें चिकन को फ्राई कर लेते हैं। इसमें से थोड़ा हम नमक और थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे, आप चाहें तो मैरिनेशन में भी इसको ऐड करके रख सकते हैं। चिकन को पानी सूखने तक फ्राई करना है। देखिए इसका पानी अच्छे से सूख चुका है, चिकन फ्राई हो गया, अब हम इसको निकाल लेते हैं। जो बाकी का चिकन है ये भी फ्राई कर लेते हैं। ये भी फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम करते हैं ग्रेवी की तैयारी। एक पेन में हम लेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल, हम इसमें मस्टर्ड ऑयल भी डाल लेंगे जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम मेथी दाना डालते हैं, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर इसमें डालेंगे हम जो हमने ऑनियन चॉप करके रखी थी वो, चलिए डाल देते हैं ये भी। इसे हमें लाइट ब्राउन करना है, देखिए ऑनियन जो है हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है, बस हमें ऐसे ही चाहिए। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट है ये भी डाल देते हैं और इसको भी हमें अच्छे से भूनना है, इसे भी हमें गोल्डन होने तक भूनना है। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है और इसका कलर भी गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें सारे पाउडर मसाले ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले नहीं जले। सौंफ, ज़ीरा और रेड जो हमने कुटी लाल मिर्च का पाउडर बनाया था ये भी डाल देते हैं। अब हम इसमें सरसों की जो दाल ली हमने ये भी डाल देते हैं। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक भूनना है, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इसमें ताकि जो हमारा मसाला है पूरी तरह से ड्राई था, ये जले नहीं।
अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। जो हमने विनेगर लिया था ये डाल देते हैं हम। मैंने हाफ कप विनेगर लिया है, अगर आपको ज़्यादा खटाई पसंद है तो आप फुल कप भर के भी डाल सकते हैं। इसमें पानी डाल देते हैं, पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये अचारी चिकन है तो ये थोड़ा अचार जैसा ही होना चाहिए, भुना भुना सा। देखिए पानी डाल दिया है, ये फ्राई चिकन है इसलिए जल्दी गल जाएगा, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं इसे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है। अब हम कर लेते हैं डिश आउट। बनकर तैयार है फ्रेंड्स अचारी चिकन। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू।